तीन साल के बाद कोविड के कारण आज फिर से एक और बार महाशिवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है और हम यहाँ दक्षिण मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में मौजूद है। आज बात करेंगे चेयरमैन से जो कि बाबुलनाथ टेंपल ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, नितिन ठक्कर जी। सर पहले तो धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सर जानना चाहूँगा आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि तीन साल के बाद इतना बड़ा सेलिब्रेशन और इतने धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाई जा रही है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हमें इतना आनंद हो रहा है कि तीन साल के बाद इतनी भीड़ हो रही है, सब भक्त शांति से दर्शन कर रहे हैं और ये महाशिवरात्रि के पर्व का आनंद ले रहे हैं, ये बहुत आनंद की बात है। जी सर, ऐसा बताया जा रहा है कि 1.25 लाख लोग की अपेक्षा रखी है मंदिर ने और उस तरह की अरेंजमेंट्स पर काम किया है। सर क्या कहेंगे आप और कितनों की संख्या और की अपेक्षा रख सकते हैं? मुझे लगता है कि अब तक जितने लोग दर्शन करने आए हैं तो बाय इवनिंग द नंबर विल रीच 3 लाख तक हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और ये जितने लोग आएंगे, लाइन में खड़े रहेंगे, सबको दर्शन करने मिलेगा और बाबुलनाथ दादा सबको आशीर्वाद देंगे। सर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि श्रद्धालुओं की श्रद्धा बिल्कुल ही कम नहीं हुई, क्योंकि तकरीबन 1.5 किलोमीटर के आसपास की लंबी लाइन है, लोग धूप में खड़े हैं लेकिन किसी भी हाल में भगवान का दर्शन ज़रूर लेना चाहते हैं। आपकी बात सही है, ये बाबुलनाथ भगवान का मंदिर 350 साल से अधिक ज़्यादा पुराना है। इसके जो शिवलिंग है वो स्वयंभू शिवलिंग है और ये भगवान के पर बहुत लोग श्रद्धा रखते हैं और आप सच कह रहे हैं कि श्रद्धा जरा भी कम नहीं हुई। कोई भी समय आ जा रहे ये भगवान के ऊपर श्रद्धा कम नहीं रहती। सर महाशिवरात्रि के दौरान बाबुलनाथ का जो वॉलंटियर प्रोग्राम होता है और वॉलंटियर्स के ऊपर जो डिपेंडेंट रहते हैं उसके बारे में बहुत चर्चा होती है हमेशा। सर आपके वॉलंटियर्स का कितना महत्व है और उनके बीच किन किन डिपार्टमेंटों में उनको बांटा जाता है, कुछ बताएंगे? हाँ, हमारे साथ ऐसा है कि एक ग्रुप है जो रास्ते की सुविधा, लोगों की कतार, ट्रैफिक की मैनेजमेंट का काम करते हैं। दूसरा ग्रुप ऐसा है कि जो लोगों के जूतों की व्यवस्था रखते हैं कि जूतों को संभाल के रखना थैली में और सबको देना। दूसरी एक व्यवस्था ऐसी है कि जो जल अवेलेबल किया जा रहा है तो उसकी तरफ सुविधा का ध्यान है। दूसरा एक ग्रुप ऐसा है कि जिसने सब डेकोरेशन करने में सब सहायता की है। सर पुलिस का भी बहुत मेजर इन्वॉल्वमेंट बताया जाता है हर साल, वो लोग बाबुलनाथ टेंपल ट्रस्ट के साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, तो उनके साथ जो आपका कहीं ना कहीं एक रिश्ता बन गया है इतने सालों में, समझना चाहेंगे कि किस तरह की सहायता देते हैं और किस तरह की कोऑपरेशन प्रोवाइड करते हैं मंदिर और उसके वॉलंटियर्स को? सो रामदेवी पुलिस स्टेशन, मुंबई पुलिस इन पर्टिकुलर, वो हमारे साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं बिकॉज हम उनके विभाग में आते हैं और मंदिर की सुरक्षा के लिए जब जब वो लोग को लगता है तब आके वो लोग सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं मंदिर के लिए, बिकॉज ये सार्वजनिक जगह है और ऐसी जो जगह का है उसकी सुरक्षा करना भी उनकी जिम्मेदारी भी है। यह उपरांत जो त्यौहारों का जो टाइम होता है तब इतनी भीड़ जो होती है तब उनकी मौजूदगी इट्सेल्फ इज सफिशिएंट टू क्रिएट डिसिप्लिन अमंग पीपल। सो हमारे लिए उनके साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, वो लोग बहुत सहयोग करते हैं हमारे साथ और हमें बहुत अच्छा लगता है। सर आखिरी चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से जो श्रद्धालु है मुंबई के बाहर जो नहीं आ पाए उनको महाशिवरात्रि के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? आप विश्व के कोई भी कोने में हो, आपको महाशिवरात्रि का क्या रोज का दर्शन बाबुलनाथ मंदिर की YouTube लाइव चैनल में आप कर सकते हैं और आज भी आप कहाँ भी हो लाइव चैनल में भगवान का दर्शन करो, आप लाभ लो, आप आनंद लो और जो श्रद्धालु लाइन में खड़े हैं दर्शन करने को आते हैं उन सबको मेरी विनंती है कि मंदिर के साथ प्रशासन के साथ सहयोग करें और शांति से दर्शन करें और आनंद लें।
धन्यवाद सर, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इस दिन की। ये थे हमारे साथ नितिन ठक्कर, चेयरमैन ऑफ द बाबुलनाथ मंदिर ट्रस्ट, आज तक से बात करते हुए और इस साल के महाशिवरात्रि की किस तरह की सुविधाएं हैं और किस तरह की अरेंजमेंट्स हैं ये हमें बताते हुए। कैमरामैन स्वप्निल के साथ देव कोटक, आज तक।